नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका द्विवेदी। आप देख रहे हैं UP24 न्यूज। हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम पेश करते हैं आज की कुछ खास खबर। हमीरपुर जनपद के मझगुआ थाना क्षेत्र के बैंक व साहूकारों के कर्ज से परेशान एक किसान ने अपने सूने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। जब तक पड़ोसियों को जानकारी हुई, उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मझगुआ थाना क्षेत्र के गिरौर गांव निवासी देवेंद्र कुमार पुत्र वासुदेव लोधी ने शनिवार रात किसी वक्त अपने घर में सरफराज की गोलियां निगल ली। सुबह जब पड़ोसियों की नज़र पड़ी तो उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक के भाई ज्ञानेंद्र ने बताया कि देवेंद्र के पास करीब 5 बीघा कृषि भूमि थी, जिस पर खेती कर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक पुत्री तथा एक पुत्र है, जिसमें पुत्री का विवाह हो चुका है। घाटे का सौदा साबित हो रही खेती के चलते उसके ऊपर स्टेट बैंक का करीब 2 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। बेटी के विवाह में अपनी कुछ जमीन गिरवी रखकर 1 लाख रुपए की व्यवस्था की थी। यह कर्ज भी अभी तक चुकता नहीं कर पाया था। पुत्र हृदय गुजरात में रहकर मजदूरी करता था। 2 वर्ष पूर्व कर्ज की चिंता से उसकी पत्नी की भी मौत हो चुकी थी। किसान अपने घर में अकेला रहता था। बताया कि कर्ज की चिंता व आर्थिक परेशानी से आहत होकर जहर खाकर जान दे दी। तो हम आपको हमीरपुर जनपद के गिरौर गांव से ये खबर बता रहे हैं कि जहां पर आर्थिक तंगी के चलते यहां पर एक किसान ने सल्फास की गोली निगली है, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि करीब 2 लाख रुपए का कर्ज भारतीय स्टेट बैंक से लिए था, जबकि अपनी जमीन भी गिरवी रखे हुए था। सिंह राजपूत, ये देवेंद्र कुमार मेरे भाई थे, जिन्होंने सल्फास खा ली, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। इन्होंने पैसे की दिक्कत थी और इनके खेत भी गिरवी रखे हुए थे, किसान क्रेडिट कार्ड भी बना हुआ था। इस वजह से इन्होंने सल्फास खा के आत्महत्या कर ली। 2 साल पहले इनकी पत्नी भी एक्सपायर हो गई थी अटैक से, वो भी पैसे की वजह से अटैक हुआ था। क्या इस साल इनकी ज़मीन नहीं बबी थी? नहीं, पड़ी हुई है सारी ज़मीन। सिंचाई के लिए पैसे भी नहीं थे, बहुत तंग गई थी। खाद बीज के लिए भी पैसे नहीं थे, इसी वजह से इन्होंने जहर खा लिया। क्या आपने अभी इसकी जानकारी पुलिस को दी है? हाँ, पुलिस को सूचना कर दी है। मजबूर लगी थे, पुलिस को सूचना कर दी है। हमीरपुर से UP24 न्यूज़ के लिए सीतू सेंगर की रिपोर्ट।